गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और सुबह से ही बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी बूंदी पड़ने लगी है और आज है विश्वकर्मा पूजा और विश्वकर्मा पूजा के दिन बारिश होगी दबा के लग रहा है। तो क्या बना रही हो? तो इधर सुबह सुबह अनूप किचन में, क्या अनूप क्या कर रहे हो? हलवा बनाने जा रहे हैं। कस बोले इधर से ताक के? हलवा बनाने जा रहे हैं। हलवा बनाने जा रहे हो अपने खुद से हाथ से? हाँ। तो मुझे कमेंट आया था कि अनूप से हलवा बनवाइएगा। ताजा अनूप आ गया फाइनली किचन में हलवा बनाने और आज विश्वकर्मा पूजा तो इसने बोला कि आज मीठा बनाते हैं। बोले ठीक है मीठा बनाओ, कोई बात नहीं है। तो क्या क्या कर लियो तैयारी? तो घी डाल दिए हैं कढ़ाई में, तो एकदम गर्म हो गया है। और हम डालेंगे ये सूजी। क्या किए उसको साफ किए कि नहीं? हाँ साफ किए, चलनी से चले हो? हाँ। तो इधर अभी हलवा भून रहा है अनूप जी। क्या कर रहे हो? हलवा भून रहे हैं, लेकिन कितना टाइम भूनेगा अभी? अभी 5 मिनट भूनेगा। 5 मिनट फिर पानी पड़ेगा? हाँ, अभी देखना इतना लाजवाब हम बनाएंगे जैसे दोस्तों हमारे हाथ का जो खाना बड़ा टेस्टी होता है। कभी बनाया है ये नहीं, ये तो कहेगा नहीं। तो इसीलिए अभी हम बनाएंगे ये सब, जब उंगली चाट जाएंगे तो। तो आज बारिश का मौसम में मीठा हो जाए कुछ मजा आ जाता है। सूजी डाली इंतजार कर रही है खाने के लिए। जल्दी से बनाओ हलवा, डाली खिलाओ। मौसम देखो, मौसम बैकग्राउंड में कितना खतरनाक हुआ है। बारिश के मौसम में या तो पकौड़े मिल जाए तो मजा आ जाएंगे, या तो मीठे। ठीक है, देखो जला ना, छोड़ दियो, चलाओ उसे। चलाते ही रहेगा। तो आज फाइनली अनूप जी आ गए आप लोग के फरमाइश पे हलवा बनाने अपने हाथ से, और बनाएगा सबको खिलाएगा, सबको सर्व करेगा यही प्लेट में निकाल के। तो देखते हैं आज इसके हाथ का हलवा कैसा लगता है दोस्तों। और काफ़ी दिन बाद हलवा बन रहा है मेरे वहाँ। क्यों जी अनूप? हो गया होगा 3 महीना। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। और अभी देखते हैं खाने में क्या बनता है। तो दाल चावल ही बनेगा, उसके साथ सब्जी, देखते हैं क्या बनता है। पहले ये हलवा बना ले। चाय कौन बनाएगा? अच्छा, डाली की ड्यूटी रहती है चाय और अनूप की ड्यूटी आज लग गई है हलवा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हो गया जी, भून गया। तो यार एकदम भून गया, देखो एकदम रेड कर दिया है इसको। उधर भून गया, उधर दाल रख दिए बनने के लिए। अभी इसको भून भून के हम लोग बनाएंगे। इधर हलवा में पानी डाल दिया है और अभी ये बनेगा। यार दाल चावल धुल के रख दिए हैं। तो आज हम इसका सब्जी बनाने वाले हैं और अभी हलवा बन रहा है, दाल बन रहा है, चावल बनाना बाकी है। और इधर ये है, क्या नाम है इसका? चठैल। हाँ, ये जंगली सब्जी होता है, तो इसको 2-3 पानी धुल लिए हैं। और इसकी सब्जी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी लोग जानते भी होंगे दोस्तों, काफ़ी लोग जानते होंगे जिसका घर जंगल में होगा। इसका नाम चठैल है ना? और ये किसकी तरह दिखता है? करेली की तरह। हाँ, करेली की तरह दिखता है। इसको लोग मीठा करेली भी बोलते हैं। तो ये हमारे घर में सबसे ज्यादा दीदी को पसंद है। क्यों जी? ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी बहुत ज्यादा होता है। मेन बात है कि हेल्दी, इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसकी सब्जी इतना ज़्यादा कोई नहीं खाता है, फिर भी साल में 1-2 बार तो बनी जाता है। चावल रख दिए हैं, हलवा बन गया है, इधर दाल भी बन गया, इसमें तड़का लगाना है। कढ़ाई रख दिए, तेल गर्म हो गया। इधर दिखा लूँ, इधर चठल की सब्जी कितना मस्त है, पत्ता पत्ता काट लिए बिल्कुल। इसमें मसाले बिल्कुल नहीं पड़ते, भुजिया बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। मसाले पड़ जाएगा तो बिल्कुल इसका टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इधर हम प्याज मिर्ची लहसुन काट लिए हैं। इधर हल्दी पाउडर डाल देंगे हल्का सा बिल्कुल, और नमक डालेंगे टेस्ट अनुसार। बस हल्दी नमक जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। सब्जी बन रहा है, चावल बन रहा है, बस दाल में तड़का लगाना है। चलते पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी इधर हलवा लगा दिया है अनूप क्यों जी। हाँ।
इधर डॉली, मम्मी, अनूप। सबका हलवा लगा दिए। तो अभी सारे लोग खा के बताओ कैसा बनाया। खा के बताओ, चीनी उनी सब यही डाला, कुछ भी हम लोग किए नहीं है। कैसा बनाया फर्स्ट टाइम हलवा? अच्छा, सही बोलो, झूठ नहीं, एकदम सही मस्त बनाया है। तो कौन पे शगुन में ले रहे हो? कौन पे तो आज मॉर्निंग में हो रहा है हलवा का नाश्ता, और अभी अनूप के हाथ का। आप लोग के फरमाइश पे हमने अनूप से हलवा बनवा ही दिया। दोस्तों कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और क्या बनवाना चाहते हैं अनूप यादव जी से, आप लोग कमेंट कीजिएगा, अनूप यादव जरूर बनाएंगे। क्यों जी, ते लोग नाश्ता कर रहे हैं, हम भी चलते हैं नाश्ता करते हैं, मिलते हैं थोड़े देर में। हे दोस्तों, तो अभी मैं आ गई हूँ आप लोग के साथ कुछ शेयर करने। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ, वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो अभी आप लोग देख लीजिए मेरा पार्सल, बस ज़्यादा पार्सल नहीं है, कुछ ही पार्सल है जो कि मैं मंगाई हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं अपने लिए शर्ट मंगाई हूँ दो, थोड़ा घूमने उमने जाने के लिए। तो इधर ये है मेरा फर्स्ट, ये है मेरा फर्स्ट पार्सल, और शरीर पे कैसा लग रहा है। तो अभी मैं इसको रखती हूँ साइड में, और इधर है मेरा सेकेंड सॉल्ट। ये सेकेंड, तो अभी इधर मैं एक पैंट मंगाई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है एकदम पहनने में। ये फ्रंट, और ये कुर्ती प्योर कॉटन का कुर्ती है, मैंने मंगाया है। अभी हम लोग कहीं जाने वाले हैं घूमने, तो ये पहनने के लिए बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये है कुर्ती, एकदम सिंपल सा, क्योंकि ट्रैवल करने में ना जितना कंफर्टेबल कपड़ा रहेगा उतना ही अच्छा रहता है, एकदम कंफर्टेबल है। ये प्योर कॉटन का है और फ्लिपकार्ट से लिए है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये, पहने में बहुत आरामदायक है। और ये एक नाइटी है जो कि मैं मम्मी के लिए मंगाई हूँ, ये कैसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा एकदम मखमल कपड़ा है, एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। मम्मी दो नाइटी पहन रही थी, तो थोड़ा पुराना हो गया था, मैंने मंगाया है और इतना अपने लिए मंगाया है। तो दोस्तों कैसा लगा, अगर आप लोग को कोई भी इसमें से चाहिए कि कोई भी चीज़, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, तो मैं शेयर कर दूँगी लिंक, आप लोग जाके ले लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल और अच्छे हैं कपड़े हैं, जो घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कम्फर्टेबल है। और मुझे कहीं जाना भी हम लोग को घूमने, तो मैं उसके लिए अभी से मंगा कर रख ली हूँ। और मैं कहाँ जाऊँगी तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो ब्लॉग्स में बने रहिएगा। अभी नहीं जा रहे हैं हम, अभी कुछ दिन बाद जाएंगे तो सब शेयर करेंगे। तो अभी ये सब तो आप लोगों ने देख लिया, अभी हम फटाफट से खाना खाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल हम लोग कहीं जाने वाले हैं, कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा। बाय बाय। ए फ्यू मिनट्स लेटर, खाना लग गया है, उधर चटहल की सब्जी, अचार का मिर्चा, दाल चावल लग गया, इधर डॉली अनूप दोनों बैठ गए हैं। और इधर डॉली अनूप दोनों बैठ गए हैं खाना खाने। कैसे हुआ जी सब्जी? बहुत बढ़िया। और डॉली ठीक है? तो दोस्तों इधर ये लोग खाना खा रहे हैं, हम भी चलते खाना खाते, मिलते हैं नए ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।